सॉरी विद्या, मैंने तुम्हें डरा दिया। वो मैं सिर्फ तुम्हें जगाने आया था। मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ पे क्यों सो गई थी? शायद थक गई होगी। तुम्हें घर जाना चाहिए, तुमने कुछ खाया भी नहीं। मैं हूं ना यहाँ पे, सब कुछ संभाल लूंगा, तुम जाओ। नहीं रोहित, मैं यहाँ ठीक हूँ। यार तुम प्लीज घर जाओ, मैं यहाँ पे हूं ना। बताओ, पापा भी घर पे अकेले हैं, मम्मी कुछ देर में यहाँ आ जाएंगे। हाँ एक्चुअली पापा तो अकेले हैं, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे जाना चाहिए। यस, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बाहर मौसम बहुत खराब है। नहीं इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। रोहित मेरा हाथ छोड़। वो मैं कह रहा था कि इतनी रात हो गई है, तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। रोहित मैंने कहा कि मैं चली जाऊंगी, थैंक यू वेरी मच। सॉरी विद्या, वो मैं भूल गया था कि मैं अभी भी तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं। आई एम रियली सॉरी विद्या। रोहित क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे प्लीज? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी फिर से मुलाकात होगी, और आज जब हम फिर से मिले हैं तो इस तरह आपकी ऐसी हालत। पता है मैं तो आपसे पहले भी कई बार मिलना चाहती थी, लेकिन डर लगता था कहीं रोहित आपसे झगड़ा ना कर ले। लेकिन देखे ना, आपने उसे कितनी अच्छी तरह संभाल लिया, हमेशा की तरह। आपने हमेशा दूसरों को आगे रखा ना। मैंने पहली बार जिस वजह से आपसे प्यार किया था ना, आज रोहित ने भी आपको उसी वजह से प्यार किया है। पता है वो आपको बहुत प्यार करता है। सुनिए, आंखें खोल लीजिए ना, देखिए ना, आपका पूरा परिवार प्यार लिए खड़ा है यहाँ। एक बार देख लीजिए, एक बार। आप यही चाहते हैं ना कि रोहित और विद्या एक साथ मिलकर इस स्कूल को आगे बढ़ाए? तो मैं भी तो यही चाहती हूँ ना। लेकिन विद्या, उसके लिए अभी ये मुमकिन नहीं होगा। वो जिन हादसों से गुजरी है
उसकी चोट उसके दिल पर बहुत गहरी लगी है। पता है ना, इंसान अच्छे दिन तो भूल जाता है, लेकिन बुरे दिन, बुरी यादें उसके दिल पर पत्थर बनकर बंधी रहती हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, देख लीजिएगा, विद्या को ना रोहित की अच्छाइयां नजर आएंगी और वो एक ना एक दिन रोहित का हाथ थामेगी और ये सब देखने के लिए हम लोग एक साथ होंगे, एक साथ ये सब देखेंगे। आंखें खोल लीजिए ना, आंखें खोल लीजिए। दीदी, इतनी रात हो गई, आप अकेली आ गई, मुझे क्या देते, मैं आ जाता आपको लेने। नहीं नहीं विष्णु, मुझे रोहित घर तक छोड़ के गया है। अच्छा, आपने खाना खा लिया? नहीं, खाऊंगी। तुमने खाया? हाँ, मैंने भी खा लिया। अच्छा चलो, अभी बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। विष्णु, बिजली चली गई है, देखो ना कैंडल्स कहाँ रखी हैं। ढूंढता हूँ। क्या हुआ बेटा? पापा, अचानक लाइट ऑफ हो गई थी तो उसके बाद मैं। अरे, तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है। अरे अंकल, कोई बात नहीं, मामी से कहा है। विद्या, आई एम सॉरी, पर तुम्हारे कमरे में बिना नॉक किया आ गया। तुम्हारा फोन तुम्हें वापस करने आया था, तुम मेरी गाड़ी में भूल गई। शायद अंधेरा था तो तुम्हें लगा कमरे में कोई चोर आ गया होगा। I'm sorry. नहीं विद्या, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, कल सुबह हॉस्पिटल जाना है। नहीं बेटा, हाथ से इतना खून निकल रहा है, अगर ड्रेसिंग ना की गई तो सेप्टिक हो सकता है। अरे नहीं अंकल, छोटा सा जख्म है। नहीं नहीं, एक मिनट विद्या, फर्स्ट एड लेके आओ और इसके हाथ की पट्टी करो। कोई जरूरत नहीं, मैं घजा की पट्टी मार लूंगा सर। विद्या को परेशान मत कीजिए, मैं चलता हूँ।
किसी भी अच्छे काम को करने से मुश्किल जानते क्या होता, किसी गलत काम करने वाले को माफ कर देना। और मैं जानता हूं कि काम इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ तू चाहे तो इसे कर सकते है। रोहित अपनी गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा है और उसका जो प्रयास है ना, उसका आखिरी पड़ाव है तुम्हारी माफी। मुझे उम्मीद है तो तुम ऐसा कर सकते हो। रोहित, ये क्या हुआ? माँ कुछ नहीं, जरा सी चोट है, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हो? ये जरा सी चोट है, इतना खून बह रहा है, ये मेरे लिए बहुत कुछ है। चोट लगी कैसे? माँ क्या फर्क पड़ता है, कल सुबह तक ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे पूछ रही हूँ चोट कैसे लगी। विद्या की नफरत ने मुझे ये चोट पहुंचाई है। मां विद्या की गलती नहीं, उसके ना चाह के भी उसका रोम रोम मुझसे नफरत करता, मेरी परछाई से भी डरती है वो आज ही मुझसे आंखें नहीं मिला पाती। अरे कैसे इतने बुरे काम करती कि उस हद तक मुझसे नफरत करती। मैं क्या करूं मां, पता नहीं इस जन्म में विद्या मुझे माफ कर पाएगी कि नहीं। बेटा वक्त के साथ वो बदल जाएगी, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा और देखना उसे बहुत जल्दी तुम्हारी अच्छाइयां नजर आने लगेंगी और फिर तुम्हारे पापा की वो बात टाल ही नहीं सकती। बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसमें पहले पट्टी करवाओ। नहीं मां, रहने दो इसे। मैंने विद्या को जो घाव दिए उसका एक छोटा सा अंश मैं भी सहन करना चाहता हूं, मैं इस घाव को पालना चाहता हूं। बेटा ये कैसा पागलपन है, तुम अपने दिल को तो सजा दे ही रहे हो, शरीर को क्यों कष्ट देना चाहते हो? तो मां मैं क्या करूं, आप बताओ मैं क्या करूं? उससे विद्या की नफरत बर्दाश्त नहीं होती मां, नहीं होती। बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। विद्या पहले तो मैं सिर्फ सामने से वार कर रहा था, पर इस बार मैंने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि तुम्हारी तरफ से फंस जाओगी। कोई दुनिया से प्यार करती हो ना, मुझसे भी करोगी, मैं करवाऊंगा तुम्हें मुझसे प्यार। और इसलिए मैं मेरे और तुम्हारे सारे अपनों का इस्तेमाल करूंगा और मेरा सबसे बड़ा हथियार होगा मेरी मां। घोसले सारे ट्रस्टीज की मीटिंग फिक्स करो, मुझे उनसे मिलना है। ट्रस्टीज से मिलना है? पर कभी सर। अभी जल्दी करो। पर सर वो घोसले तुम समझे नहीं, लोहा अभी गर्म है, विद्या की जिंदगी और उसका दिमाग मुसीबतों से घिरा हुआ है और अब उसकी जिंदगी में मैं सबसे बड़ी मुसीबत खड़ा करना चाहता हूँ। स्कूल से बड़ा उसके लिए कुछ भी नहीं, तो इसकी समस्या भी विद्या के लिए सबसे बड़ी समस्या होगी। सच्चाई की राह पर चलने वाली विद्या पर देखो अब मैं कैसे आतंक बरसाता हूं। कर ला सर, कर ला, मैं बोलता हूं।
तुम्हारी चोट कैसी है? अभी भी दर्द हो रहा है क्या? ठीक है विद्या, बिल्कुल ठीक है। विद्या कैसी हो बेटा? बहुत अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। बैठो ना। जी। वो मैं सिर्फ इतना कहने आई थी कि मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी, इसलिए आई एम सॉरी। नहीं विद्या, मैं तुम्हें इतने घाव दिए हैं, तुम मेरे से मुझे एक छोटी सी चोट दी है। क्या ऐसी बात है, तुमने मुझे कुछ तो दिया। विद्या इसका पागलपन पता है, ना तो डॉक्टर के पास जाना चाहता है ना पट्टी बनवा रहा है। इस चोट को पालना चाहता है। माँ प्लीज, आप कुछ नहीं कहेंगी? अरे क्यों नहीं बोलूंगी, विद्या को भी तो पता चले कि तुम क्या कर रहे हो। माँ प्लीज। अच्छा ठीक है, नहीं बोलूंगी। विद्या तुम बैठो, मैं जरा हॉस्पिटल होकर आती हूँ। और हाँ तुम इसको जरा पट्टी बांध देना, मेरी बात तो सुनता नहीं है, शायद तुम्हारी बात सुन ले। चोट जिसने दिए ना उससे पट्टी बनवा लो। कहते हैं जख्म देने वाला बहुत अच्छी मरहम लगा देता है। तो मजाक कर रही थी, हो सके तो इसकी पट्टी जरूर बांध देना। ऐसे करिए, पट्टी बांध के जाइए, आपको सुकून तो मिलेगा ना कम से कम। अरे आंटी आप जाइए, मैं देख लूंगी। ठीक है बेटा, यहाँ फर्स्ट एड बॉक्स रखा है, इसके पट्टी जरूर बांध देना। जी आंटी। इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें अभी गिरफ्तार नहीं कर सकते, इनकी हालत बहुत नाजुक है, इनकी बहुत मुश्किल से तो हमने जान बचाई है, इस हालत में आप इन्हें गिरफ्तार करेंगे? अरे आपकी वजह से तो इनका ये हाल हुआ है, अपने आपका मन नहीं भरा, मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी। देखिए मैडम, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ जो मुझे करनी चाहिए। सिंघानिया साहब की तो अभी तक कोर्ट से अपील भी नहीं हुई है, और वैसे भी जैसे ये ठीक होंगे इन्हें फिर से जेल जाना पड़ेगा, और ये सब करने से आप हमें रोक नहीं सकती। लेकिन ये बेगुनाह है, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया ये सब बताइए। डॉक्टर सिंघानिया साहब के बारे में जो भी रिपोर्ट मिले वो मुझे आप बताते रहना। जी बिल्कुल, मैं चलता हूँ। Thank you.
उठिए ना, इस तरह लेटे क्यों हैं? मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। पता है आज विद्या घर आई थी और उसकी आंखों में रोहित के लिए नफरत नहीं, प्यार देखा मैंने। और रोहित भी ये देखकर बहुत खुश है। क्या आप ये सब नहीं देखना चाहते? उठ जाइए। विमला, मैं जानता हूं तुम कुछ नहीं कर पा रहे। जो तुमने कल रात कहा सब सुना मैंने, देख लेना। विद्या और रोहित बहुत जल्दी एक हो जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो।